सूर्य नमस्कार। पृथ्वी में बास करुथिबा समस्त जीवंक निमन्ते सूर्य सकल शक्तिर आधार। सूर्य नमस्कार आम शरीर सहित मनर तालमेल ठीक रखे एवं ता सहित आमर बुद्धि को तीक्ष्ण एवं प्रखर करे। सूर्य नमस्कार आमर आध्यात्मिक उन्नति निमन्ते नितांत आवश्यक। सूर्य नमस्कार हेउछि आठटी आसनर भंगी जहाँ को बारटी पर्यायर अभ्यास करा जाय थाय। सूर्योदय एवं सूर्यास्त समय रे एहा को अभ्यास कले लाभदायक होई थाय। दुई गोड़ को जोड़ी सीधा हुवंतु, कांध को सीधा रखंतु। मने रखंतु आपणंकर दुई हाथ देहर दुई कड़े रहिबो आउ थोड़ी चट्टाण सह समांतराळ होई रहिबो। दुई गोड़ को समान भावरे संतुलन करंतु। ये हेला समस्थिति। एबे आरंभ करिबा। प्रश्वास नियंतु, हाथ आग को आनी सामना रे रखंतु एवं दुई पापुली को जोड़ी दियंतु नमस्कार मुद्रा रे। एहा को प्रणामासन कहा जाए। एबे निश्वास छाड़ंतु। द्वितीय भंगी। प्रश्वास ग्रहण करी शरीर को टाणिकी अंटा ऊपर को रखंतु। हाथ को एबे मुंड ऊपर को उठांतु आउ पछ को नई जांतु। गोड़ को सीधा रखंतु। एही आसन को हस्त उत्तानासन कहा जाए। एबे तृतीय भंगी। धीरे धीरे निश्वास छाड़ंतु आउ शरीर को नुआई दे आग को नई पड़ंतु। आउ पादर दुई कड़े हाथ को रखंतु। मने रखंतु हाथ दुईटा एका संगे जीवा दरकार। एहा को पाद हस्तासन कहा जाए। चतुर्थ भंगी। एही भंगी रे दीर्घ प्रश्वास नियंतु। दाहण गोड़ को पछ को नहीं आंठ को तले लगे दियंतु। दाहण गोड़ आंगुठी तले लगवा दरकार। बाम पादर आंठुर कोण 90 डिग्री रहिबा दरकार। पापुली दुईटा तले लगवा दरकार। नितंब तलकु रही थोड़ी ऊपर को रहिबा दरकार। एहाकु अश्व संचालन आसन कहा जाए। पंचम भंगी रे निश्वास छाड़ंतु। बाम गोड़ को एमिति भावे पछ को नियंतु जेमिति डाहन गोड़ सांगरे सेइटा एक सरल रेखा भली रहिबो। आउ आपणंक हाथ एवं कांध जेमिति सीधा रहिबो। आपणंक कांध पिठी एवं नितंब एक सरल रेखा रे रहिबे। एही आसन को संतुलन आसन कहा जाए। एही स्थिति रे रही निश्वास छाड़ंतु। षष्ठ भंगी। प्रश्वास नियंतु धीरे धीरे। दुई आंठ को एका संगे तले लगे दियंतु। तापरे छाती एवं थोड़ी को तले लगे दियंतु। मने रखंतु नितंब ऊपर को रहिबो आउ कहुनी टेकी हे रहिबो। एही आसन को साष्टांग नमस्कार आसन कहा जाए। कारण शरीर आठटी अंग अर्थात दुई गोड़ आंगुठी, दुई आंठू, दुई पापुली, छाती एवं मथा मध्य तले लगी थांती। मने रखंतु शरीर भार एही आठटी अंग उपरे समान भावे रही थाए। एबे करिबा सप्तम भंगी। प्रश्वास ग्रहण करी तल पेट को तलकु करी छाती एवं मुंड को ऊपर को उठांतु। तल पेट को नाभि पर्यंत उठाइबा को चेष्टा करंतु। मने रखंतु गोड़ आंगुठी बाहर को रहिबो आउ गोड़ सीधा हेकि रहिबो। एही आसन को भुजंगासन कहा जाए। अष्टम भंगी रे निश्वास त्याग करी पाद को बुलेई भीतर को रखंतु। अंटा को उठेकि निज शरीर आकार को पर्वत भली कर दियंतु। मने रखंतु गोड़ दुईटा जेमिति सीधा रहिबो। पापुली तले लगिबो आउ मुंड दुई हाथर मझिरे रहिबो। गोईठी को तले लगेबा को चेष्टा करंतु। एही आसन को पर्वतासन कहा जाए। नवम भंगी रे प्रश्वास भीतर को नहीं अंटा को तलकु करंतु आउ डाहाण गोड़ को आग को नहीं आसंतु। बाम गोड़ आंठ को तले लगे अश्व संचालन स्थिति रे रुहंतु। दशम भंगी। एही भंगी रे बाम पाद को आग को आनंतु आउ निश्वास छाड़ीबा बेले पाद हस्तासन भंगी रे रुहंतु। एकादश भंगी। प्रश्वास नहीं
धीरे धीरे शरीर को ऊपर को उठंतु दुई हाथ को ऊपर को नियंतु एवं हस्त उत्तानासन रे रहंतु। मने रखंतु फेरिबा बेले हाथ एवं मुंड जेमिति एका संगे रहिबो। द्वादश भंगी निश्वास त्याग करी प्रणामासन रे छिड़ा हि जांतु। बाम पटरे एबे क्रमान्वय रे डाहाण पटरे करितिबा भंगी गुड़िक करंतु। सूर्य नमस्कार फुसफुसर शक्ति बढ़ाए। एहा शारीरिक शक्ति वृद्धि करिबा सह मधुमेह को मध्य नियंत्रण रे रखिथाय।